लैंग्वेज डिवेलमेंट ऑफ़ द चाइल्ड मॉड्यूल नंबर टू हंड्रेड सेवन प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज डिवेलमेंट इन पाकिस्तानी स्कूल्स जी स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे इंग्लिश डिवेलमेंट के हवाले से पाकिस्तानी स्कूलों में प्रॉब्लम्स पर बात करनी है सो लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी पाकिस्तान में ड्यू टू लिमिटेड एक्सपोजर एंड इनडिक्ट लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन

पाकिस्तानी स्कूल्स इन पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज लैक रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज डिवेलपमेंट तो इंग्लिश लैंग्वेज डिवेल्प करने के लिए उनके पास रूरल स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स और स्टाफ की कमी होती है लिमिटेड एक्सेस टू टैक्स बुक्स टीचिंग मटीरियल्स टेक्नोलॉजी ये चीज़ें भी उनके पास कम होती है यानी उनके लिए इवन बैठने के लिए जो फर्नीचर तक नहीं होता मुश्किल होती है लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्स हंडल इनफेक्टिव टीचिंग इंग्लिश लैंगवेज इंस्ट्रक्शन तो लैंग्वेज लर्निंग रिसोस जो है वो ना होना उनकी टीचिंग uh, में और उनकी लर्निंग में ये रुकावट डालता इनएडिक्ट टीचर ट्रेनिंग पाकिस्तान का जो टीचर ट्रेनिंग का सिस्टम है ये नाकाफी या ना गैर मौजों सिस्टम है ख़ास तौर पर लैंगवेज डिवेलपमेंट के हवाले से या लैंग्वेज टीचर्स की जो ट्रेनिंग है तो मैंने इंग्लिश टी लैंग्वेज टीचर्स इन पाकिस्तान स्कूल डू नाट रिसीव वो उन्होंने एडिकुएट ट्रेनिंग इन लैंग्वेज टीचिंग मैथडोलॉजीज़ उन्होंने इंग्लिश टीचिंग मैथडलॉजीज़ में प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल नहीं की होती और लैक ऑफ प्रोफेशनल डिवेलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनकी प्रोफेशनल डिवेलमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी उनकी कमी होती है और लिमिटेड एक्सपोयर टू फैक्टिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोचेज़ तो उनको उनका जो एक्सपोयर है वो भी महदूद होता है लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच के हवाले से ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड्स दे फोकस ऑन रोड मेमोराइजेशन वो रट्टे पर फोकस करते हैं एंड ग्रामर रूल्स और ग्रामर फोकस uh, पर रूल्स पर फोकस करते हैं रादर दैन कम्युनिकेटिव एंड इंटरएक्टिव लैंग्वेज लर्निंग तो लैंग्वेज लर्निंग की बजाय या इंटरएक्टिव मैथड्स इस्तेमाल करने की बजाय तो दिस अप्रोच हंडर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू यूज़ इंग्लिश क्योंकि ये रोड मेमोराइजेशन वाली जो है अप्रोच वो उनकी लैंग्वेज लर्निंग में रुकावट डालती है और उनको यू लैंग्वेज यूज़ करने की उनमें सलाहियत पैदा नहीं होने देती और इफ़ेक्टिवली इन रियल लाइफ सिचुएशन तो रियल लाइफ सिचुएशन में एक्चुअली ये है कि उनको जब तक आप लैंग्वेज स्पोकन में आप उनको इन्वायरमेंट फ्राहम नहीं करेंगे वो वो उनमें फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो वो उनमें ये स्पीकिंग की सलाहियत पैदा नहीं होगी और लैक ऑफ जैसे लैक ऑफ स्पीकिंग ऑपरचुनिटीज लिमिट अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस एंड डिवेल्प देयर स्पीकिंग स्किल्स इन इंग्लिश स्कूलों में ख़ास तौर पर पब्लिक स्कूलों में तो आ, ना तो इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट लिया जाता है ना ही उनका इम्तहान लिया जाता है ना ही इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जाती है ना ही उनको कोई सो लैक ऑफ कन्वर्सेशनल एक्टिवटीज़ ग्रुप डिस्कशन तो वो कन्वर्सेशनल अपॉरचुनिटीज़ uh, और ग्रुप डिस्कशन से महरूम रहते हैं बच्चे और इंटरेक्टिव लैंग्वेज प्रैक्टिस भी उनको नहीं कराई जाती और स्टूडेंट्स एबिलिटी टू गेन फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन स्पोकन इंग्लिश तो ये चीज़ें उनमें बच्चों में ना तो कॉन्फिडेंस पैदा होने देती हैं ना ही उनमें ये स्पोकन की सलाहियत पैदा होने देती हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स सोशियो सोसाइटल्स एटीट्यूड टू वर्ड्स इंग्लिश एंड सोशियो इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ अब देखें माशरे का जो इंग्लिश की तरफ रुझान है ख़ास तौर पर इलाकों में अगर आप देखें यह सोशो इकनॉमिक डिस्पेरिटीज़ हैं जो फ़र्क है लोगों के समाजी और माशी माशी मरतबे का तो ये भी एक रुकावट बनता है उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हवाले से सो इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट इन पाकिस्तानी स्कूल्स के नॉर्मली जो है सरकारी स्कूलों में जो पुअर फैमिलीज़ के मिडल और लोअर मिडल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं जो जिनके पेरेंट्स तो उनको वो माहौल ही और वो रिसोर्स ही फ्राहम नहीं कर पाते जिससे वो उनको वो लैंग्वेज डेवलप हो सके तो एज अ लैंग्वेज और इंग्लिश को पाकिस्तान में एक अलीट जुबान के तौर पर यूज़ किया जाता है समझा जाता है और ये लीडिंग टू लेस एम्फेसिस ऑन इट्स इम्पोर्टेंस इन सर्टेन कम्युनिटीज़ तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ इसकी लर्निंग पे कम जोर दिया जाता है तो ये सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी असरानंदाज होते हैं एग्ज़मिनेशन फोकस्ड अप्रोच तो एग्जामिनेशन फोकस्ड ऑन रोड मेमोराइजेशन एंड टेस्ट प्रेपरेशन पाकिस्तान का जो असेसमेंट का सिस्टम है उसमें जो पब्लिक स्कूलों में ख़ास तौर पर उसमें क्या है कि रोड मेमोराइजेशन और टेस्टों पर यानी टेस्टों पर बेस करता है और रट्टा पर बेस करता है और फुल लैंग्वेज डेवलपमेंट ये फुल लैंग्वेज डेवलपमेंट पर जोर नहीं दिया जाता इट लिमिट्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डिवेल्प क्रिटिकल थिंकिंग तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पैदा होती और क्रिएटिविटी उनमें तखलीकियत पैदा नहीं होती और इफ़ेक्टिव कम्यूनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश तो चूँकि स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन प्रैक्टिस की ना होने की वजह से उनमें फिर कम्यूनिकेशन स्किल्स भी डेवलप नहीं होते लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फिर नेक्स्ट इसका जो प्रॉब्लम है वो है एक्सेस टू एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ऑनलाइन रिसोर्सेज तो ये जो ना होने के बराबर है इनकी एक्सेस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन रिसोर्स की पब्लिक स्कूलों में ख़ास तौर पर स्कूलों में एंड डिजिटल लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर लिमिटेड तो ये बड़े महदूद पैमाने पर ये फ्राहम किए जाते हैं अगर देहाती इलाकों में कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करे तो वो शायद वो उनको टैब वग़ैरह स्टूडेंट्स को फ्राहम करे अदरवाइज़ पब्लिक स्कूलों में ये सूरत हाल नहीं है or stopping students from engaging with interactive language uh, learning tools तो ये चीज़ें बच्चों को interactive learning tools के साथ engage होने में रोकती हैं तो ये थे problems language uh, development के हवाले से uh, पाकिस्तानी schools में जो problems थे जो मैंने अभी आपके साथ discuss किए